अब एक कंप्यूटर ये है मिनी कंप्यूटर, इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये पुरानी पिक्चर है, ये अभी की पिक्चर नहीं है, शायद ये 25 साल 30 साल पहले की पिक्चर होगी। ये जो आप इनके मैडम के सामने देख रहे हैं ये स्क्रीन है, जैसे आपकी उसकी कंप्यूटर की होती है स्क्रीन, उसी तरह की स्क्रीन है। और ये एक इन साहब के सामने भी स्क्रीन है, ये जिस पर टाइप कर रही हैं ये कीबोर्ड है, ये पुराना कीबोर्ड है इसलिए थोड़ा बल्कि सा लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, जैसे टाइपराइटर का कीबोर्ड होता था। अब ये कीबोर्ड देखने को भी नहीं मिलेगा आपको कहीं। ये इसमें डेटा डाल रही हैं, और ये जो बड़ा सा ये है यही इसका सीपीयू भी इसी में ही, ये अभी तो फिलहाल ये स्क्रीन है और इसके नीचे रखा हुआ है जो वो सीपीयू है। मिनी कंप्यूटर क्या है? इट इज़ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस पोजेस मोस्ट ऑफ द फीचर्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर बट इज अ स्मॉल इन फिजिकल साइज। मिनी कंप्यूटर आर मेनली यूज एज स्मॉल एंड मिड रेंज सर्वर फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। मिनी कंप्यूटर आपके स्कूल में जो कंप्यूटर हैं वो सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं। यह मिनी कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर की सारी विशेषताएं हैं, उसके मुकाबले साइज में छोटे हैं, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगर आप इसको असेंबल मतलब अभी भी डेस्कटॉप जो है वो असेंबल करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको बस इधर उधर दो चार वायर लगाइए आपका असेंबल हो जाएगा। उसमें स्क्रीन है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, और अगर आप प्रिंटर यूज़ करते हैं तो प्रिंटर है, और प्रिंटर के अलावा नीचे उसमें यूपीएस, जैसे मैंने बताया कि डेस्कटॉप में बैटरी का सिस्टम नहीं होता, उसमें बैकअप के लिए आपको यूपीएस या छोटा नीचे बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है। इन्हें मेंटेन करना, रखरखाव रखना आसान होता है। इन कंप्यूटर को चलाने के लिए एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए इसे नेटवर्क पे लेना पड़ता है। नेटवर्क होता है लेन, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। आपके कंप्यूटर्स जो हैं, आपके स्कूल के जो कंप्यूटर्स हैं, एक आपका प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर हैं, एक जो पूरे उसके बॉस हैं उनके पास भी एक कंप्यूटर होगा, और आप जहाँ सेकेंडरी या बड़ी क्लासों का जो है वहाँ पे भी रिसेप्शन पे एक कंप्यूटर होगा। तो ये सारे कंप्यूटर एक लैन पे जुड़े रहते हैं। लैन पे जुड़े रहने का मतलब है कि इन सब में इंटरनेट होगा और वो इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हैं। कोई एक इसमें मेन सर्वर होगा जिसके पास सारा डेटा है, कौन सी टीचर क्या काम कर रही है, जैसे आपके एग्जाम्स के पेपर सेट किए तो सेट करने के बाद में वो उसको सेव करेगी और शेयर कर देगी या डाल देगी, तो वो मेन जो आपका सर्वर होगा वहाँ पे चला जाएगा, ताकि अगर कभी उस कंप्यूटर में दिक्कत आ जाए जहाँ मैडम ने काम किया था वो नहीं चल रहा या कोई दिक्कत आ रही है उसमें, तो मेन सर्वर से वो डाटा रिसीव किया जा सके, ठीक है। ये स्मॉल उस पर है, मतलब 4-5 कंप्यूटर, एक जैसे स्कूल है, ऑफिस है, या कोई हॉस्पिटल है जो छोटा क्लिनिक टाइप जहाँ 10-12 कंप्यूटर हैं, उनको एक लैन पे लेके, एक ऑफिस के ले एक लैन पे लेके आप डाटा शेयर कर सकते हैं, ठीक। दूसरा है इसमें कि मिनी कंप्यूटर के नुकसान, इन कंप्यूटर्स में हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर स्कैनर आसानी से कनेक्ट नहीं हो पाते। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर की सारी लैंग्वेज के साथ इन कंप्यूटर को कंफर्टेबल व्यवहारिक नहीं होते, कुछ खास तरह के प्रोग्राम ही इन पे आसानी से रन किए जा सकते हैं या चलाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे आपके इसमें फ़ोन में है तो फ़ोन में सभी के फ़ोन में वर्ड की एप्लीकेशन होगी, एक्सेल भी अगर आप डाउनलोड करोगे तो एक्सेल की शीट देख सकते हो, बाकी इसमें जो सबसे अच्छी इमेज की वो होगी कि आप फोटो वगैरह क्लिक कर लो, छोटे मोटे वीडियो बना के 2-4 मिनट के अपलोड कर दो, उस तरह की फीचर्स के लिए फ़ोन बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस तरह के फीचर्स आपको लैप उसमें नहीं दिखेंगे, क्या डेस्कटॉप पे नहीं दिखेंगे, लैपटॉप पे नहीं दिखेंगे। दूसरा, अगर मैं फ़ोन से किसी जगह पे प्रिंट लेना चाहूँ, कोई डाटा है मेरा, कोई पेपर है जिसे मैं प्रिंट लेना चाहती हूँ, तो फ़ोन से लेने में मुझे दिक्कत होगी। लेकिन अगर मैं उसे, जैसे मैंने ईमेल पे शेयर किया और मैं किसी डेस्कटॉप पे जाके उसको लूँगी, तब मैं उसका प्रिंट ले सकती हूँ। तो जो दूसरा आउटपुट डिवाइस है वो फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बाकी ये काम उसी तरह से करेगा। और जो बड़ी एप्लीकेशंस है वो भी इसमें डाउनलोड नहीं होंगी, स्पेस की प्रॉब्लम रहती है, वो कंप्यूटर्स में आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर इज अ कैरेक्टराइज बाय प्रोसेसिंग लिमिट, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड स्मॉलेस्ट इन साइज एज कंपेयर टू अदर 3 कैटेगरीज। इट इज स्मॉलेस्ट साइज इज ड्यू टू कंपोनेंट, दीज आर डिवाइडेड इन टू 2 कैटेगरीज, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड पोर्टेबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो डेस्क पे रहते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर पार्ट्स में हो जाते हैं, जैसे सीपीयू अलग, इनपुट और आउटपुट डिवाइस उनके अलग होते हैं, बस इससे ज़्यादा उसमें कोई फर्क नहीं है। पोर्टेबल कंप्यूटर ये आपके हाथ में, आपका जो मोबाइल है,
ये पोर्टेबल कंप्यूटर्स के उसमें आता है, आपका लैपटॉप हो गया, एक पाम टैबलेट आता है वो भी उसी में आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तीन श्रेणियों की तुलना में बाकी के जो ऊपर हमने पढ़े छोटे होते हैं, इनका आकार छोटा होता है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का उपयोग होता है, इसलिए ये अलग अलग घटकों में बदल दिया है, मतलब ये अलग अलग उसमें मिल जाता है। इसकी दो श्रेणी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और पोर्टेबल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में यहाँ दे दिया, डेस्कटॉप कंप्यूटर आर डिज़ाइन इन अ वे सो दैट द सिस्टम यूनिट इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, आप पिछले मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ में भी वही चीज़ रिपीट हो रही है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस जिससे आप उसमें इनपुट डालते हो यानी कीबोर्ड हो गया, आउटपुट डिवाइस जिससे वो आपको डिस्प्ले कर रहा है यानी स्क्रीन हो गया। आउटपुट डिवाइस कैन बी प्लेस्ड ऑन डेस्कटॉप, पोर्टेबल कंप्यूटर कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आर लाइट इन वेट, दे कंटेन रिचार्जेबल बैटरी। दीज आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, पाम टॉप कंप्यूटर, PDF एटसेट्रा। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज, लो कॉस्ट कंप्यूटर, दे आर हाई स्पीड कंप्यूटर्स, दे यूज रैम एज प्राइमरी मेमोरी, दे सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी फॉर परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा, दैट इज हार्ड डिस्क, DVD, CD, फ्लैश डिवाइस। दे सपोर्ट वेरियस कंप्यूटर लैंग्वेज सच एज फॉर्टॉन, कोबाल, बेसिस, पास्कल, C++, सी हैश, जावा और SQL। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग चीज़ों से अलग अलग वो रिलेटेड रहते हैं। जैसे जावा जो प्रोग्राम है, जावा के प्रोग्राम की एक खासियत है, जब आप स्क्रीन पे फोटोज़ देखते हैं, छोटे छोटे से वॉलपेपर, स्पेशली वॉलपेपर आपके फ़ोन में पड़े होंगे, आप कई बार देखते होंगे जिसमें मछली तैर रही है, पानी या समथिंग कुछ इस तरह का रहता है, टच करने पर वो रिस्पॉन्ड करता है, ये जावा का प्रोग्राम है और इसकी अपनी अलग कोडिंग होती है। इसी तरह फोर्ट्रॉन जो है ये आपका एक्सेल का प्रोग्राम है, एक्सेल में डेटा लेना, उसको अपडेट करना, घटाना, बढ़ाना, गुणा करना, ये सब इसमें होता है। इसी तरह कोबाल, बेसिक, की सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक तरह से डिज़ाइन किया है ताकि सिस्टम यूनिट आउटपुट डिवाइस आउटपुट, ये जो मैंने ऊपर लिखा है वही हिंदी में नीचे कर दिया है ताकि आप समझ सको। वजन में हल्के होते हैं, रिचार्जेबल बैटरी होती है और इसके प्रकार हैं लैपटॉप, नोटबुक, टैम्पा टॉप कंप्यूटर, PDF वगैरह। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं, वे कम लागत वाले कंप्यूटर होते हैं, उच्च गति वाले कंप्यूटर होते हैं, प्राथमिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग होता है और ये डाटा को स्थायी भंडारण के लिए विभिन्न प्रकार की माध्यमिक मेमोरी को समर्थन करते हैं। अब ये क्या है प्राइमरी मेमोरी और क्या है सेकेंडरी मेमोरी, आपने लास्ट उसमें भी पढ़ा था रैम, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी और ROM रीड ओनली मेमोरी, इनमें क्या फ़र्क है? देखिए इसमें ये फ़र्क है, रैम जो है एक चिप टाइप होती है, अभी नेक्स्ट उसमें इसी बुक में उसकी इमेज भी है, वो जब उसमें कंप्यूटर में लगती है तो उसकी स्पीड बढ़ाती है। आपने कुछ टाइप किया और उसको डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब आपकी रैम जो है वो कमज़ोर हो गई है। कमज़ोर होने का मतलब है कि उस रैम को अगर आप बढ़ा दोगे तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी। सेकंड चीज़ क्या है इसमें कि जो आप सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी है रीड ओनली मेमोरी, जब आप जो भी देख रहे हो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने ये सब टाइप किया है, ठीक है, अब मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, आप इसे पढ़ पा रहे हैं ना, तो मैं इसमें चेंज कर सकती हूँ, मैं चेंज कर दूंगी, ये रीड ओनली मेमोरी है, डिलीट कर दूंगी, डिलीट हो जाएगी। रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो स्पीड देती है, डाटा स्टोर करती है, और जो इसमें सेकेंडरी मेमोरी बता रखी है DVD, हार्ड डिस्क, CD वगैरह, तो आपको पता है कि आपने बहुत सारी CDs देखी होंगी, इससे पहले बुक्स की भी CDs आ रही थी, तो उसमें क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन बना के हमने उसमें डाल दिया है और वो CD आप किसी भी उसमें चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंप्यूटर में उस डाटा को रख सकते हैं। ये डाटा जो है ये मूवेबल है, जैसे आपकी पेन ड्राइव मूवेबल है, एक से निकाल के आपने डाटा कुछ उस पेन ड्राइव में डाल दिया और अब ये पेन ड्राइव आप किसी भी कंप्यूटर में लगाओगे तो वो डाटा आप उस कंप्यूटर में देख सकते हो, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। एक प्राइमरी मेमोरी है जो उसी कंप्यूटर में रहेगी, जो कुछ मैंने फ़ोटो इसमें क्लिक कर ली वो इसी फ़ोटो इसी में क्लिक रहेगी, इसी फ़ोन में क्लिक रहेगी, लेकिन अगर मैं उसको CD में कन्वर्ट कर दूं
तो वो सीडी मैं कहीं पे भी ले जा सके, किसी भी उसमें लगा सकती हूँ। तो वो डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होगे इस चीज़ को। एक जो उसी में रहती है, कंप्यूटर में ही रहेगी, कुछ टाइप किया आपने उसी कंप्यूटर में पढ़ा है, दूसरा मैंने उस कंप्यूटर का डाटा उठा के पेन ड्राइव में, सीडी में, डीवीडी में, किसी चीज़ में कॉपी कर लिया। मूवीज़ में लोग करते हैं ना अक्सर, सीडीज़ आप देखते हो लगा लगा के उसमें, टीवी उसमें, फोन क्या कैमरा सॉरी कंप्यूटर में, तो वो सीडी जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है, कोई एक प्राइमरी थी उसी से ये कॉपी होकर आपके पास आई है, ठीक है। हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश, ये सब मैंने आपको बता दिया, यही सारा कुछ है इसमें। ये लैपटॉप है आपके, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की भाषा को ही निष्पादित कर सकते हैं। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं। हार्डवेयर होता है कि जैसे जितना भी हार्ड मटेरियल आपके कंप्यूटर में, सब हार्डवेयर है, ठीक है, और जितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो सॉफ्टवेयर है। समझ आ रही है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्राम डेवलप करते हैं और हार्डवेयर इंजीनियर तोड़फोड़ करते हैं। सिंपल वर्ड में बस इतना ही है कि अगर मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो अगर मैंने हार्डवेयर इंजीनियर को बुलाया, वो क्या करेगा, सबसे पहले सीपीयू खोल देगा। सीपीयू खोलने के बाद उसमें ब्रशिंग ब्रश व्रश करेगा, थोड़ा देखेगा, इधर उधर दिमाग लगाएगा, कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, दो चार पार्ट बदलेगा। पार्ट बदल दिए इसका मतलब वो हार्डवेयर इंजीनियर है, और उसने प्रोग्रामिंग के थ्रू कुछ अपडेशन करी तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन। कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब क्या है डिजिटल कंप्यूटर? देखिए डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस के साथ आप इसे देखना, लेकिन अगर पूरा देखेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा अश्योरेंस है आपको। डिजिटल कंप्यूटर होता है कि डिजिटल डाटा फ्लो इन डिग्री फ्रॉम रिप्रेजेंट बाय पल्सेस ऑफ टू सीरीज, दैट इज 0 and 1। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा था, लेकिन पता नहीं कितने बच्चों को समझ आया, मुझे नहीं मालूम। देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके घर आपका फ्रेंड आया कोई जो कि साउथ इंडियन है, उसे या तो मद्रासी बोलनी आती है या इंग्लिश बोलनी आती है। आपके घर आया, आपको हिंदी बोलनी आती है या इंग्लिश बोलनी आती है? कॉमन दोनों में एक चीज़ क्या है? इंग्लिश, ठीक है। आपकी मदर ने उसको फ्रूट के कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र किया, तो वो तो अपनी लैंग्वेज में बोला उन्होंने, उसको कुछ समझ नहीं आया, आपने उसको ट्रांसलेट किया कि मदर पूछ रही हैं कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक लोगे या जूस वगैरह कुछ लोगे, ठीक है। ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कंप्यूटर में जो भी डाटा आप पूछते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि अर्थ में कितने आइलैंड और कितने ओशन हैं, तो ये डाटा आपने उसमें टाइप कर दिया। अब कंप्यूटर पहले इसे 0 और 1 के कोड में बदलेगा, अपनी मेमोरी में डालेगा, उसके बाद में डिवाइड करेगा उसे, फिर उसे ट्रांसमिट करके आपको बताएगा जी कि यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं और 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और 5 समुद्र हैं। ये जो ट्रांसलेशन वाला सिस्टम है कंप्यूटर में, ये बाइनरी सिस्टम है, डिजिटल फॉर्म है। मतलब आप कुछ भी पूछ लीजिए, आप बड़ी से बड़ी कथा पूछ लीजिए उससे, वो उसको पहले 0 में 1 में 0101 1100 ऐसे करके अपने हिसाब से कोड बदलेगा और उसके बाद में आपके हिसाब से करके उसको देगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके फ्रेंड को हिंदी नहीं आती, आपने उसे इंग्लिश में बताया कि मदर ने ये बोला है, अब उसने वो चीज़ समझ ली कि अच्छा ठीक है ये बोला है, तो वो फिर उस हिसाब से अपना रिस्पॉन्ड करेगा कि जी मेरे को चाय पीनी है या जूस पीना है, जो भी है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये बाइनरी होता है, इसमें 0 और 1 के डिजिट लेके। डिजिटल का मतलब होता है जो भी चीज़ें आपने उसको पूछी हैं, आपने तो टेक्स्ट में पूछा कि पृथ्वी के ऊपर हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी ओशन आर इन अर्थ, तो ये चीज़ें आपने उसको लिख के पूछी, टेक्स्ट के फॉर्म में पूछी। जो आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं ये टेक्स्ट का फॉर्म है, लेकिन उसने अपने आप को कैसे समझाया? 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर आपको कैसे समझाया? आपके लिखे हुए फॉर्म में। सेम वैसे ही जैसे आपने अपने दोस्त को इंग्लिश में समझाया, उसने आपको इंग्लिश में रिवर्ट किया और आपने अपनी मदर को हिंदी में समझाया, ठीक। अब है नेक्स्ट, डिजिटल में डिजिटल कंप्यूटर डेटा प्रवाह 2 श्रृंखला में चलता है, 0 और 1 में, जैसे पर्सनल कंप्यूटर। ये जो जितना भी कुछ है, पर्सनल कंप्यूटर, एजुकेशनल इंटरेक्टिव सिस्टम, ये सब
इसी कंप्यूटर में होता है, डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस पर्पस, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू बी यूज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ जॉब, बैंकिंग, सेल्स एनालिस्ट, स्टॉक मेंटेन। अच्छा, इसमें क्या है, देखिए एक कंप्यूटर आपके स्कूल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहाँ ये कंप्यूटर बुक्स को पब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ एक ही तरह का डाटा उसमें डाला जाता है, ठीक है। बुक्स में देखिए, आप बुक्स, आप अपनी कोई भी बुक उठा के देखिए, उसमें कुछ जगह पे इमेज है, कुछ जगह पे मोटा फॉन्ट है, कुछ जगह पे पतला फॉन्ट है। फॉन्ट का मतलब जो अक्षरों का साइज है, वो छोटा है, बड़ा है, पतला लिखा है, कलर बदला हुआ है। तो ये जो सेटिंग होती है, ये सारी सेटिंग किसी एक कंप्यूटर में हो रही है, किसी एक क्लास के लिए, अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग उसके लिए हो रही है, लेकिन मेन पर्पस क्या है, बुक प्रिंट करना, ठीक है, स्पेसिफाइड हो गया। बैंकिंग में जितना डाटा जा रहा है वो बैंक की सेल के लिए जा रहा है। आप रोज़ देखते हैं ना कि हमारे बैंक में खाता खुलवाओ, मैडमें फ़ोन कर करके सर खाती हैं, वो सारा कुछ जो है वो डाटा जो लेते हैं वो इसी तरह के छोटे कंप्यूटर से लेते हैं। स्टॉक मेंटेनिंग करना, एनालिसिस ऑफ स्टॉक मेंटेन, कि ये चार दिन पहले ये स्टॉक में ये वाला शेयर ऊपर था, तो हो सकता है अब ये जैसे कंडीशन आ गई है बीमारी की, तो ये कोई खरीद नहीं रहा है, लोग ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं जिनसे उनकी, मतलब अगर एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आ गई है कि जब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप एक तो कपड़े खरीद सकते हो और एक खाने की चीज़ खरीद सकते हो। अगर इमरजेंसी का टाइम है तो आप कपड़े छोड़ दोगे और खाने की चीज़ खरीद लोगे, इसलिए क्योंकि कपड़ों के बिना तो शायद है कि आपका दो चार दिन गुजारा हो जाए, लेकिन खाने के बिना नहीं होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में कपड़े की डिमांड घट जाएगी और खाने की डिमांड बढ़ जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि ये जो एनालिसिस स्टॉक मेंटेनेंस है, ये यही चीज़ है कि कब किस समय पे लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, ये सब कंप्यूटर बताएगा आपको कि आप किस तरह से अपना स्टोरेज रखिए, ठीक। अब है स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए है, द कंप्यूटर्स आर डिज़ाइंड टू मीट द नीड ऑफ सम स्पेशल एप्लीकेशन एंड टू परफॉर्म अ स्पेशल एंड सिंगल जॉब। एक समय में एक ही टाइम एक ही तरह का काम करने के लिए यूज़ हो रहे हैं स्पेशल पर्पस। प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन देम, फॉर इंस्टेंस मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, वेपन्स डिज़ाइनिंग। अब आप जैसे हॉस्पिटल्स में अगर आपने कभी देखा होगा, तो एक्सरे की मशीनें होती हैं, एक्सरे की मशीन का डाटा भी कंप्यूटर में स्टोर होता है। एक ECG मशीन होती है जिसमें वो ऊपर टिंग टोंग करके वो एक लाइन ऊपर नीचे जाती है हार्ट बीट रेशो करने के लिए, और आपकी ब्रीथ का वो कि सांस तेज़ी से ले रहा है, धीरे ले रहा है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, ये सारे सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, तो वो सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखता है। और ये कंप्यूटर, अगर आप ये सोचें कि आपके घर के कंप्यूटर पे सब कुछ दिखने लगे, तो नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि वो कंप्यूटर उस चीज़ के लिए ही प्रोग्राम होते हैं जो हॉस्पिटल वाले होते हैं। तो ये है स्पेशल पर्पस, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर होता है एक ही तरह के लिए स्पेसिफाइड किया हुआ कंप्यूटर। जैसे आप जहाज उड़ते हुए देखते हैं, अभी कल मैं एक मूवी देख रही थी धमाल, उसमें एक जगह पे एक सीन है जहाँ वो मदद मांगते हैं उससे कि हमारा प्लेन में ड्राइवर क्या पायलट मर गया है या बेहोश हो गया है, हमें इसको हेल्प करो। तो आपने देखा कि वो एक मतलब फ़नी सिचुएशन है कि वो वहाँ से गिरता है, लास्ट में उसके साथ में एक बॉक्स गिरता है नीचे, वो बॉक्स जो है वो एनालॉग कंप्यूटर है। उसके पास में, उसे कैसे पता चला, कभी आपने ये मूवी देखते वक्त ये सोचा कि उसे कैसे पता चला कि उसके प्लेन में दो इंजन है, एक काम नहीं कर रहा है, एक वो, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आई, कैसे आई, देखिए जब आप किसी जगह पे जाते हैं, इंडिविजुअल का एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी भी जगह पे जाते हैं, आप बेड पे भी सोते हैं तो जगह अक्वायर करते हैं, वो जगह जैसे ही प्लेन उड़ता है तो आसमान में जगह अक्वायर करता है, जगह घेरता है। उस प्लेन की स्पीड खास तरह की होगी, वो किस तरह का प्लेन है, हल्का है, भारी है, कितनी जगह घेरी है, ये सारा कुछ उसके उड़ने के साथ ही आप उनके रडार पे आ जाता है, जो लोग उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्लेन उड़ने के टाइम पे उनको लैंडिंग के लिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आसमान में 3-4 प्लेन घूम रहे हो, तो वो उन सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अभी ये वाला उतरेगा, आप मत उतरिए, अभी आप 2 राउंड और लगा लीजिए या थोड़ा स्लो कर लीजिए, जैसा भी उनका इंस्ट्रक्शन होता है वो उस तरह का इंस्ट्रक्शन उनको देते हैं, ताकि रनवे पे भीड़ ना हो,
या वो अलग अलग इन वो रनवे दे देते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म पे 2 नंबर पे गाड़ी, 3 नंबर पे, इस तरह से होता है ना, वही सेम चीज़ है। एनालॉग कंप्यूटर डेडिकेटेड कंप्यूटर है किसी एक काम के लिए। जिस कंप्यूटर को प्लेन के गाइड करने के लिए बनाया वो प्लेन को ही गाइड करेगा। जिनको वहाँ पे रखा है रेलवेज के लिए, तो वो रेलवेज के लिए ही डेडिकेटेड है, वो एनालॉग कंप्यूटर है। मतलब एक टाइम पे एक जैसा ही, एक ही चीज़ के लिए काम करेंगे, ठीक है। वह कंप्यूटर भौतिक घटनाओं के नियंत्रण निरंतर माप करता रहता है, जैसे दबाव, ताप, वोल्टेज की गति, वजन आदि, एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। उदाहरण के लिए वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, ECG मशीन, ये सारे उनके टाइप्स हैं, ठीक है। अब है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? ये दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन है। दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दीज कंप्यूटर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल। मतलब वो काम तो एक ही तरह का करेगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो एयरलाइंस वालों का जो कंप्यूटर है या रेलवे वालों का जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ रेलवे के बारे में ही इन्फॉर्म करेगा कि कौन सी ट्रेन कहाँ आ जा रही है, कितनी दूर है, ये जो कुछ भी है। उसी तरह से जो हवाई जहाज के लिए है वो हवाई जहाज के लिए ही बताएगा। लेकिन हाइब्रिड का जो कंप्यूटर है उसमें दोनों चीज़ें, जिस चीज़ के लिए वो डेडिकेटेड है वो काम तो वो करेगा ही, मगर आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? डिजिटल फॉर्म में देगा। These computers are combination of both analog and digital computer. They measures both continuously and decreased form of data. That is, they work on continuous physical quantity, the analog part, and then work with digital path to get the result. For instance, blood pressure machine, STD, PCO, phone control system, and heartbeat मेजरिंग मशीन। अभी आप आजकल करंट उसमें देख रहे हैं कि BP की मशीन आ गई, वो क्या करते हैं, यहाँ पे हाथ के ऊपर बांध देते हैं और एक बटन प्रेस करते हैं और वो बता देता है कि उसके साथ में वो आपकी हार्ट की भी मेजर कर देता है, ठीक है। ये है एक एनालॉग मशीन जो डेडिकेटेड है किसके लिए? आपके ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट बीट के लिए। अगर आप चाहेंगे कि उससे आपके ब्लड की रिपोर्ट आ जाए, नहीं आएगी, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए नहीं है। तो ये एनालॉग का काम क्या है कि वो बीपी की मशीन है और बीपी का ही वो करेगा। डिजिटल फॉर्म ये है कि आप उसमें डिजिट में देख सकते हैं कि आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है और आपकी जो पल्स रेट है या बीपी है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, ऊपर है, ज़्यादा है, कम है, जो कुछ भी है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने अभी बताया। ये डेटा निरंतर और असतत रूप से मापते रहते हैं, ठीक है। जो निरंतर भौतिक मात्रा पर एनालॉग का भाग का काम करता है और फिर उसे डिजिटल फॉर्म में लाता है, जैसे रक्तचाप की मशीन मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही STD का PCO वगैरह। PCO में आप नंबर डायल करते हैं, ठीक है, फिर वो ट्रांसमिट होता है, फिर आपको पता लगता है कि हाँ जी घर में किसी के बेल बजेगी तो फ़ोन उठाएगा तो आप उससे बात कर सकते हैं, ट्रांसमिट हुआ ना, इस तरह से। दिल की धड़कन को मापने वाली मशीन, दैट्स इट। ये आपका चैप्टर हो गया ख़त्म। थोड़ा लंबा होगा मगर इसका कोई भी पार्ट छोड़िएगा नहीं, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। और अगर कोई दिक्कत होती है, मैं फिर कह रही हूँ, कमेंट कीजिए,